आप सभी का स्वागत है चंचल किचन ब्लॉग्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में अब डालते हैं हम तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। इसके लिए मैंने पालक को उबाल के और पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले डालेंगे हम अपनी लाल मिर्च, इन्हें हल्का सा सेक लेंगे। साथ में ही डालेंगे लहसुन, इसका हल्का सा कलर चेंज करेंगे। अब ऐड करेंगे हम अपनी अदरक, डालेंगे प्याज, इसे सुनहरा होने तक अच्छी तरह से हम भूनेंगे। हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ में ऐड करेंगे अपने टमाटर। इसमें ऐड करेंगे हम नमक, नमक स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद है। मिक्स कर देते हैं। पाँच मिनट के लिए से कवर कर देंगे और बीच में हम इसे एक दो मिनट में बीच में चेक करते रहेंगे। बीच बीच में एक बार हम अपना चेक कर लेते हैं मसाला। हमारा मसाला काफ़ी हद तक गल चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने मसाले। हल्दी हम बहुत कम डालेंगे, दो चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च, इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं। इनको मिक्स कर देते हैं। दो मिनट के लिए से फिर कवर कर देंगे। अपना मसाला हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना पिसा हुआ पालक, और पालक के साथ मैंने धनिया के पत्ते भी थोड़े से पीसे थे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप पीस सकते हैं, नहीं तो आप खाली पालक भी पीस सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम अपना पालक। मिक्स कर देते हैं। आधा ग्लास पानी इसमें और ऐड कर देंगे। इसे एक बॉल आने तक हम इसे खटका लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा खटका आने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने पनीर।
अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फिर 5 मिनट के लिए हम इसे फिर कवर कर देंगे। हम एक बार अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पालक पनीर काफ़ी अच्छी तक पक रहा है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और इसकी महक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना गरम मसाला। मिक्स कर देते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। आप घी या मक्खन अपनी मर्जी अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे भी ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देंगे। घी से पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे हम 2 मिनट के लिए और खटकाएंगे, फिर उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं पालक के ऊपर सारा तेल और जो घी डाला है वो आ चुका है और पालक भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारा पालक पनीर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।